गरीब गुरबा को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जिस जात को अधिकार नहीं मिला है उस जात को आगे लाने के लिए हम लोग जाति जनगणना करके उनको अधिकार दिलाने के 33% हम आरक्षण पर हैं, 100 में 33 निकाल दीजिए कितना बचा, 10% मोदी दिए, वो आरक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। जब देख लिया कि अब नहीं चलने वाला है, हाईकोर्ट या और कोर्ट भी दे रहा है निर्णय, पूरा देश जातीय जनगणना के पक्ष में है, तब वो भी सपोर्ट कर रहा है लाचारी बेबस होकर के। भगवान कहीं जाति में नहीं बांटे थे, ये मनुवादों की देन है कि आज हमको जाति में बांट कर और हमारे हक की भी नौकरी लिए है। वर्ण व्यवस्था के वजह से समाज में असमानता फैली, कॉमन लोग जाति बनाया है, अपने फायदे के लिए जाति बनाता है। आपके देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते तो कहते पिछड़ा है, कहीं कहते दलित है, कहीं कहीं कुछ है, जाति के देख के लोग टिकट देता है और कहता है कि जाति से हरास होगा। जो विरोध करता था जाति प्रमाण पत्र जो सरकार दे रही है कितने वर्षों से, उसका क्यों नहीं विरोध किया? जाति प्रमाण पत्र आप क्यों बांट रहे हैं इतने दिनों से, उस पर काहे ने विरोध किए? जब हमारे लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के नेता जातीय जनगणना की मांग किए, तो इन लोगों के छाती पर सांप लौटने लगा कि लालू यादव का कहीं प्रियता न बढ़ जाए देश में। जातीय जनगणना बहाना है, आरक्षण पर लोगों का निशाना है, जान लीजिए। आरक्षण को लोग खत्म करना चाहता है जातीय जनगणना न करा करके। जातीय जनगणना को लेके कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, वहीं बहुजन समाज के लोग मैक्सिमम इसका स्वागत कर रहे हैं। बिहार में जातीय सर्वे हो रहा है, कहा यह भी जा रहा है कि गरीबी उन्मूलन में सबसे ऐतिहासिक कदम होगा। जातिवाद के खिलाफ जो लंबी लड़ाई बिहार में चल रही है उसमें यह मील का पत्थर साबित होगा। सर, जातीय जनगणना से क्या फायदा होगा? क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार श्यामल है, हम राष्ट्रीय जनता दल के विधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है सुपौल का। अच्छा, आप लोग वकील साहब हैं? जी। तो वकील साहब बताइए, टेक्निकल टर्म, जातीय सर्वे से क्या फायदा होगा बिहार को? बिहार को नहीं, पूरे देश को फायदा होगा। जातीय सर्वे से गरीब गुरबा और छोटे छोटे जात जो है उसकी गिनती होगी, गणना होगी, उसके हिसाब से उनको मैंने आरक्षण दिया जाएगा, उसके हिसाब से उनको फायदा दिया जाएगा, यही उनके लिए लाभ होगा। और दूसरी बात है, जाति प्रमाण पत्र केंद्र सरकार या कि कोई भी कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस जातीय जनगणना पर जो अड़चन लाने का काम किया, उन जो को भी कोई भी व्यक्ति विरोध करते हैं वो गलत करते हैं। इसीलिए ये जाति प्रमाण पत्र जो सरकार दे रही है, कई वकील साहब से बात कर रहे थे हाई कोर्ट के सामने में, सब अग्री जाति के वकील थे, कह रहे थे कि इससे जातीय विभेद बढ़ेगा, पॉलिटिकल लाभ होगा, समाज को कोई फायदा नहीं है। देखिए, जो जातीय जनगणना के लोग विरोध कर रहे हैं, जातीय जनगणना का विरोध उन लोग का दिमाग में जो है, जातीय जनगणना नहीं है, वहाँ विरोध आरक्षण का विरोध करना है। अच्छा। उन लोग चाह रहे हैं कि जब जाति की जो संख्या होगी, पूरा देश जान जाएगा कि कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने अति पिछड़े हैं, तो लोग जाग जाएगा, तो हमारा जो हक है, जो जितनी जितनी संख्या होगी उसके हकदारी होगी, खिसक जाएगा, खिसक जाएगा। इसलिए वहाँ उन लोग चोट कर, जातीय जनगणना बहाना है, आरक्षण पर उन लोग का निशाना है, जान लीजिए। आरक्षण को खत्म करना चाहता है जातीय जनगणना न करा करके। जातीय जनगणना से आम पब्लिक और शिक्षित को कितना फायदा है, ये जो विरोध करने वाले नहीं बता रहे हैं। आज पीएमओ ऑफिस में आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए कि कितने गरीब गुरबा के लड़के हैं। सुप्रीम कोर्ट में आंकड़ा, सेक्रेटरी, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में आंकड़ा निकालिए कि 85 अग्री जाति जज है, और लोग कहते हैं आरक्षण, 33% हम आरक्षण पर हैं, 100 में 33 निकाल दीजिए कितना बचा, 10% मोदी दिए, वो आरक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। और शिक्षा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जातीय जनगणना होनी चाहिए कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, उस हिसाब से उस पद पर हमको बैठना। परमेश्वर कुमार यादव, सिविल कोटारा। अम्बेडकर साहब जो हमारे सर्वोपरि थे, जिसको हम मानते हैं, उनका जो कहना था कि गरीबी की जाति की वजह से गरीबी आई है, ये बात 100% सही है। लेकिन भगवान कहीं जाति में नहीं बांटे थे, भगवान कहीं जाति में नहीं बांटे थे, ये मनुवादों की देन है कि आज हमको जाति में बांटकर और हमारे हक की भी नौकरी लिए हैं। कि वर्ण व्यवस्था के वजह से समाज में असमानता फैली है। कॉमन लोग जाति बनाया है, अपने फायदे के लिए जाति बनाता है। आपके देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते तो कहते पिछड़ा है, कहीं कहते दलित है, कहीं कहीं कुछ है, जाति के देख के लोग टिकट देता है और कहते हैं कि जाति से हरास होगा। जाति से आपकी संख्या के पता चलेगा, आपका गरीबी के पता चलेगा। बिहार के बारे में कहा जाता है, सुन लीजिए, बिहार के बारे में कहा जाता है, बिहार के लोग, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव इतना दृढ़ इच्छा शक्ति के हैं कि देखिए, लड़ते लड़ते हाई कोर्ट से भी हम लोग का फैसला हो गया और जातीय जनगणना होगा और सुप्रीम कोर्ट में लोग गया है। भाजपा वाला भी स्वागत कर रहा है सर, जातीय जनगणना का बोल रहा, स्वागत करते हैं।
हाँ जब देख लिया कि अब नहीं चलने वाला है, हाई कोर्ट या और कोर्ट भी दे रहा है निर्णय, पूरा देश जातीय जनगणना के पक्ष में है, तब वो भी सपोर्ट कर रहा है लाचारी बेबस होकर के। और हम ये कहना चाहते हैं, जो विरोध करता था जाति प्रमाण पत्र जो सरकार दे रही है कितने वर्षों से, उसका क्यों नहीं विरोध किया? जाति प्रमाण पत्र आप क्यों बांट रहे हैं इतने दिनों से, उस पर काहे ने विरोध किए? जब हमारे लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के नेता जातीय जनगणना की मांग किए, तो इन लोगों के छाती पर सांप लौटने लगा कि लालू यादव का कहीं मन लोकप्रियता न बढ़ जाए देश में। जातीय जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए। सपोर्ट कर रही है, गरीबों का लीगल काम है, गैर कानूनी काम है। अगर भाजपा कह रही है कि हम जातीय जनगणना को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका केंद्र में सरकार है, वहां से लागू करे कि पूरा देश के हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब 10% आरक्षण लागू हुआ, EBC बना, उस समय विरोध काहे नहीं किए? सर, हजारों साल से कुछ लोग तथाकथित तौर पे अग्रणी जाति के लोग हजारों साल से 100% आरक्षण में थे, पता है आपको? जी है। तब 10% स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सब जगह 100% में थे। उस 10% आरक्षण वाले आज 33% आरक्षण वाले से ऊपर जाते हैं, किसी नौकरी में देखिए तो वे आगे हैं। हमारा बन रहा है मेरे 30% पर, उनका बन रहा है 27% पर, वो 10% का आरक्षण लेकर इसी का विरोध कर रहे हैं। अगर उन लोग का स्थिति हुआ है, जो लोग पहले हमारे पूर्वजों से बंधुआ मजदूरी लोग करवाया है और बेगारी लोग करवाया है, मोटरी ढूंढने काम करवाया है, शौचालय साफ करवाने काम किया, अगर स्थिति उन लोग का बनता है कि वो लोग शौचालय साफ करने लायक हो, हमारे पूर्वजों को, हम लोग का जो मोटरी बेगारी होता है ढूंढने के लिए तैयार हो, उस स्थिति में अगर वो लोग पहुँच गए तो हम आरक्षण का स्वागत करेंगे उन लोग के। लेकिन अगर हमारा मोटरी ढूंढने के लिए तैयार हो तब ये जान लीजिए। आपको लगता है कि जातीय जनगणना हो जाएगा तो मांग होने लगेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आरक्षण का? हाँ हो जाएगी, हो जाएगी, हाँ मांग होगी, मांग होगी, मांग। इसीलिए बौखलाहट है क्या? हाँ कुछ लोग, हाँ हाँ इसीलिए बौखलाहट है, तो विकास होगा उसी की। देखिए, जातीय जनगणना होगी तो उसके अनुसार जनसंख्या की पता चलेगी, यहाँ की गरीबी की पता चलेगी, और पता चलेगी तो जो हमारी सरकार है RJD जदयू, ये जिन्होंने योजना लाएगी, योजना से विकास होगा, और योजना से जब विकास होगा तो हमारे बाल बच्चा पढ़कर दलित गरीब अति पिछड़ा कर, सुनिएगा सुनिए ना, पढ़कर जब आगे हो जाएंगे तो उनका बंधुआ मजदूरी का काम नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि मेरा बंधुआ मजदूर बने रहें और वह मेरा मजदूरी करते रहें। अभी आप बैंक में जाइए, क्या व्यवस्था है, काम करता है कौन, झाड़ू लगाता है कौन, और कौन पैसा उठाता है? ठेकेदारी में जाइए, रेलवे में झाड़ू लगाता है एक बंधुआ मजदूर, SC ST OBC के लोग, और पैसा उठाता है कौन, स्वर्ण वर्ग के लोग। आप चल जाइए PMB ऑफिस, प्रधानमंत्री आवास योजना, कितने परसेंट लोग OBC और SC ST के लोग हैं, सब ये लोग हैं। तो उन लोगों की लगती है कि सरकार जब इस प्रकार की व्यवस्था हो जाएगी, जनसंख्या की एथी आ जाएगी, तो उसके अनुसार योजना बनेगा, योजना बनेगा तो विकास होगा, और विकास हो जाएगा तो कल से ये लोग मजदूरी नहीं करेंगे। क्यों बौखलाहट है उन लोगों में जो इसका विरोध कर रहे हैं? इसलिए बौखलाहट है, क्यों मजदूरी नहीं करेंगे, इसीलिए वो लोग बौखला रहे हैं कि जितने जातीय जनगणना होने से छोटे छोटे जात जो है, सभी जात के लोग जागरूक हो जाएंगे, उनको अधिकार मिल जाएगा, फिर हमारा कोई महत्व नहीं रहेगा, इसीलिए उन लोगों को बौखलाहट है। सत्ता से हम बाहर भी बाहर हो जाएंगे, इसीलिए बौखलाहट है। आप लोग हिंदू मुस्लिम 80-20 करते थे, योगी जी भाजपा करती है, उसका काट निकाल लिए आप लोग जातीय जनगणना के रूप में? नहीं नहीं नहीं, हम लोग ये हिंदू मुस्लिम नहीं कर करके, हम लोग सामाजिक गरीब गुरबा को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, जिस जात को अधिकार नहीं मिला है, उस जात को आगे लाने के लिए हम लोग जातीय जनगणना करके उनको अधिकार दिलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। रवि मेहता, पटना।